नाम है देवेंद्र सिंह। आज की वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 6, 7 और 8 ये तीनों करने वाले हैं इस एक ही वीडियो से। तो चलिए बिना कोई देरी के स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखते क्या कह रहे हैं। गुरमन हु कीप्स हिज बुक्स ऑन सिंगल एंट्री सिस्टम सेल्स गुड्स एट कॉस्ट प्लस 50%। चलो बढ़िया, गुड्स सोल्ड करता है 50% प्रॉफिट पे, कॉस्ट प्लस 50% का मतलब क्या है, जितने की मेरी लागत है उससे 50% ऊपर, तो ऊपर क्या है प्रॉफिट। ऑन 1 अप्रैल 2022 हिज कैपिटल वॉज 4 लाख। 1 अप्रैल को कौन सी कैपिटल होती है, ओपनिंग, तो ओपनिंग कैपिटल 4 लाख की दे रखी है, ठीक है। फिर कह रहा है 31 माह होते इसको 3.5 लाख की, यही क्लोजिंग कैपिटल होती है, तो क्लोजिंग कैपिटल 3.5 लाख की। फिर क्या कह रहा है, ही हैड विड्रॉ 20,000 रुपये पर मंथ बिसाइड्स गुड्स सेल ऑफ 60,000 रुपये। क्या कहना चाह रहा है कि ही हैड विड्रॉ 20,000 रुपये पर मंथ बिसाइड गुड्स ऑफ द सेल ऑफ 60,000 रुपये, 20,000 रुपये हर महीना निकालता है और गुड्स कह रहा है कि 60,000 रुपये का बेचता है, तो कितना निकालता है इसका मतलब हमें तो ये समझना है ना, कितना निकालता है, ठीक है ना। अब देखो ध्यान से मेरी बात, ध्यान समझना, 20,000 पर मंथ निकालता है, तो 20,000 पर मंथ निकालेगा तो इसका मतलब टोटल ड्राइंग कितनी करेगा, ड्रोन का मतलब पर्सनली उसको ही मानना है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर इस चैप्टर में ड्राइंग्स ही बात मेन करती है ना, ऐसा ना समझना कि विड्रॉ कर रहा है ऑफिस यूज़ के लिए, नहीं पर्सनली बात करेंगे। तो 20,000 पर मंथ 12 महीने होते हैं, तो 20 × 12 2,40,000, 2,40,000 देखो ध्यान से, 2,40,000 तो आ गया आपका ये जो विड्रॉ करते हैं कैश, कैश की फॉर्म में, ठीक है, ड्राइंग कैश की फॉर्म में याद करते हैं, लेकिन बिसाइड्स गुड्स ऑफ द सेल वैल्यू 60,000 रुपये, गुड्स भी आपका बेसिकली कहना चाह रहा है ये जो गुड्स है वो जो बेचे 60,000 रुपये गुड्स भी उठा के ले गया विड्रॉ कर ले, ही वो कह रहा है कि विड्रॉ 20,000 रुपये पर मंथ बिसाइड्स गुड्स, गुड्स भी विड्रॉ कर लिए, कहने का मतलब बिसाइड्स गुड्स, गुड्स के साथ, बिसाइड्स का मतलब साथ, कह रहे हैं कि 2,40,000 रुपये तो विड्रो करे उसके साथ गुड्स भी विड्रो कर लिए, उसकी सेल वैल्यू 60,000 रुपये। सर सेल वैल्यू 60,000 रुपये है, लेकिन हम जो यहाँ पर गुड्स की बात करते हैं वो कॉस्ट वैल्यू की बात करते हैं, क्योंकि हम बैलेंस शीट में बुक्स ऑफ अकाउंट में कभी भी सेल वैल्यू कभी नहीं लिखते, कॉस्ट वैल्यू लिखते हैं। स्टॉक की वैल्यू कौन सी होती है, कॉस्ट, जो गुड्स उठा के ले गया वो कितने की लागत थी, हमें वो देखना होता है, हमें वो यहाँ पर जोड़ना है। जो ड्रॉइंग्स एक और करी वो गुड्स की फॉर्म में करी है, लेकिन हम 60,000 रुपये नहीं लिखेंगे क्योंकि 60,000 रुपये तो सेल वैल्यू है, बट हम कॉस्ट वैल्यू लिखते हैं स्टॉक की, हमेशा स्टॉक की कॉस्ट वैल्यू लिखते हैं, तो वो गुड्स की स्टॉक की कॉस्ट वैल्यू कितनी है वो बता रखा था स्टार्टिंग में, कि भाई सेल वैल्यू अगर 60,000 रुपये है, अगर सेल वैल्यू 60,000 रुपये है और हमें पता है कि हम गुड्स बेचते हैं कॉस्ट प्लस 50%, यानी कि हम जितने की कॉस्ट है उससे 50% ऊपर बेचते हैं, यानी कि जो 60,000 रुपये है इसमें प्रॉफिट इंक्लूड है, प्रॉफिट कितना था 50% कॉस्ट का, अगर कॉस्ट 100 है उसका 50% इसके ऊपर प्रॉफिट जुड़ा, तो सेल वैल्यू कितने की होनी चाहिए 150, और है कितने की सेल वैल्यू 60,000। तो अगर मैं इसको सेल वैल्यू 60,000 रुपये है, ये एक्चुअल में सेल वैल्यू आप देखोगे तो ध्यान से ये 150% है, 150% कॉस्ट अपने आप में 100% है, इसका प्रॉफिट इसके ऊपर जुड़ा 50%, तो सेल वैल्यू कितनी होगी 150%, यानी कि सेल वैल्यू 60,000 रुपये जो है इस 150% पर, अगर 150% से डिवाइड कर दूँ तो कॉस्ट वैल्यू हो जाएगी। एक्स मेथड से भी कर सकते हो यार, एक्स मेथड से भी कर सकते हो, ये आपकी कितनी आ जाएगी 40,000। एक्स मेथड कैसे करोगे, आप मान लो देखो कॉस्ट एक्स है, एक्स का 50% प्रॉफिट हो गया इज इक्वल टू 60,000 रुपये, कर लो उसको सोल्व तब भी आंसर वही आएगा, ठीक है। चलो तो कहने का मतलब है कि भाई 40,000 रुपये की गुड्स की ड्राइंग करी है, तो टोटल ड्राइंग होगी 2,80,000 रुपये, तो ये ऐड करना है यहाँ पर, यानी कि हमें ये समझा कि ड्राइंग्स 2,40,000 कैश प्लस 40,000 गुड्स के फॉर्म में, टोटल हो गया 2,80,000, ठीक है। नेक्स्ट देखिए तो
आपके सामने हैं आप बस। अब वो कह रहा है कि प्रॉफिट और लॉस निकालो, तो प्रॉफिट और लॉस निकालने का तरीका क्या होता है? प्रॉफिट और लॉस फॉर द ईयर, क्लोजिंग कैपिटल, कैपिटल एट द एंड, फॉर्मूला क्या था एक बार रिवाइज करते दोबारा से, कैपिटल एट द एंड प्लस ड्रॉइंग्स, ठीक है, प्लस एडिशनल कैपिटल माइनस कैपिटल इन द बिगनिंग, ये फॉर्मूला है, ठीक है, ये फॉर्मूला। तो कैपिटल एट द एंड मतलब क्लोजिंग कैपिटल कितनी दे रखी थी? ये दे रखी थी 3.5 लाख, ठीक है, 3.5 लाख। और ड्रॉइंग कितनी है? 2,80,000 जो भी निकाला। एडिशन कैपिटल पता नहीं है, 0। ओपनिंग कैपिटल 4 लाख है। तो उसको सॉल्व करो, कितना आ गया, कितना आ गया? 2,30,000 रुपये। सिंपल आंसर ऐसे निकालते हैं, समझ आ रही बात? अब देखो सेवन्थ क्वेश्चन बड़ा बेहतरीन है, इसी को समझना है आपने एक्चुअल में। तो सेवन्थ क्वेश्चन देखते क्या क्या। देखो वीडियो को ढंग से देखोगे तो आपको चैप्टर ज़बरदस्त क्लियर होगा, आराम से पेपर में क्वेश्चन कर लोगे आप। क्रिश्चियन स्टार्टेड बिजनेस ऑन 1 अप्रैल 2022, कैपिटल डाली 1 लाख, तो ये ओपनिंग कैपिटल है। 31 मार्च को कैश स्टॉक डेटर, ये क्या चक्कर है? कैश दे दिया, स्टॉक दे दिया, डेटर दे दिया, प्लांट दे दिया, क्रेडिटर बता दिए, ड्रॉइंग चलो बता दी लास्ट में, ही विड्रॉ 12,000 पर मंथ 4% पर। सवाल यह है कि मुझे फॉर्मूले में कैपिटल एट द एंड चाहिए, वो निकालने के लिए ये मेथड अब लगेगा, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर, नाम क्यों पड़ा, वो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बनाना पड़ेगा इस क्वेश्चन के अंदर, ताकि मैं कैपिटल एट द एंड निकालूँ, यानी कि एक बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी एक तरह की, वहाँ से निकलेगी क्या क्या, ये है इसमें चक्कर। तो पहले इसके अंदर मैं बनाऊँगा स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, ठीक है, एज एट, जैसे बैलेंस शीट रखते हो आप, 31 मार्च 2023 साल के एंड। तो पहले इसमें बैलेंस शीट बनाऊंगा ताकि मैं कैपिटल निकाल सकूं कि बिजनेस में कितनी होगी। कैपिटल के निकालने क्या करते हैं, एसेट में से लायबिलिटी को माइनस कर देते हैं, तो यही करने वाले हैं। ठीक है, अब देखो एसेट कितने दे रखे थे, कैश स्टॉक डेटर प्लांट, ये सब एसेट होते हैं, सारा कुछ यहां लिखा हुआ, कैश स्टॉक डेटर्स प्लांट, कैश दे रखा था 3,200, ये 34,800, ये 31,000 और ये 85,000। लायबिलिटी वो कह रहा है कि 12,000 रुपये सेंट्री कैटर को ओड है, तो सेंट्री कैटर 12,000 रुपये हो गए, ठीक है। फिर क्या कह रहा है कि 10,000 रुपये ब्रदर को विड्रॉ है, तो भैया ब्रदर को है तो हम क्या करें, है तो लायबिलिटी, तो यहाँ नाम लिख दो क्रिश्चियंस ब्रदर, ठीक है। अब देखो ओ कह रहा है तो भैया हम क्या करें, हम इसके अंदर भी जोड़ सकते हैं उसके ब्रदर का, दिक्कत क्या है, तो कैटर ना, ही ओड का मतलब क्या, 10,000 रुपये ब्रदर को भी देने हैं ना, तो यहाँ लिख सकते हो वैसे क्रिश्चियंस ब्रदर लिख दो, चाहे क्रिश्चियंस ब्रदर 10,000, तब भी बात तो एक ही है, इसके अंदर भी जोड़ सकते थे आप, ठीक है, क्योंकि ब्रदर है उसको पैसे देने हैं, तो ये तो कैटर है मेरा, सन्डी कैटर बेसिकली टोटल, क्योंकि सन्डी कैटर अलग दे रखा है, तो मैं चलो अलग नहीं दिया, ब्रदर वाला अलग दिया, कोई दिक्कत नहीं। ड्रॉइंग दे रखी है वो नहीं लिखते भाई यहाँ पर, क्योंकि मुझे तो कैपिटल नहीं पता, पहले ड्रॉइंग तो कैपिटल माइनस करते, कैपिटल पता ही नहीं, तो कैपिटल निकालनी है, एसेट का टोटल करूँगा और लायबिलिटी से माइनस करूँगा, तो यहाँ पर आ जाएगा कैपिटल, बैलेंसिंग फिगर, वो कैपिटल एट द एंड होती है। तो एसेट का टोटल करते हैं, कितना टोटल, 38,000 और 1,16,000, 1,54,000, यही आपका टोटल यहाँ आना चाहिए, क्योंकि एसेट का टोटल लायबिलिटी के बराबर आता है। 1,54,000 में से 22,000 गए, तो कितना आ गया क्लोजिंग कैपिटल, 1,32,000। अब बनाएंगे हम
स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस, प्रॉफिट और लॉस निकालने के लिए बनाएंगे, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस फॉर द ईयर एंडेड। थर्टी फर्स्ट मार्च 2023, ठीक है। चलो यहाँ पर्टिकुलर लिख दिया। अब देखो सबसे पहले क्या लिखते हैं, कैपिटल एट द एंड, यही तो निकाल लिया हमने अभी, देख ला पत्ते यार पे। फिर इसमें एडजस्टमेंट करते हैं, ड्राइंग हो तो प्लस कर देते हैं, तो ड्राइंग देखो दे रखी थी लास्ट में, ही विड्रो 2000 रुपये पर मंथ फॉर इज परसेंट, 2000 रुपये पर मंथ पूरे साल की कितनी होगी, 1200 का ज़्यादा 24000। फिर इसमें कोई एडिशनल कैपिटल तो माइनस कर देते हैं, एडिशनल कैपिटल है ही नहीं, तो यही एडजस्टेड कैपिटल, तो ये होता है 1,56,000। इसको बोलते हैं एडजस्टेड कैपिटल, कि हमने कैपिटल को एडजस्ट कर दिया एट द एंड वाली, फिर लेस कर देते हैं शुरुआत वाली कैपिटल, कैपिटल इन द बिगनिंग, ठीक है। कितनी है, 1,00,000। तो 56,000 इज राइट आंसर, यहां लिखूंगा प्रॉफिट फॉर द ईयर। समझ आ रही बात कैसे करते हैं, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, अब देखो 8 क्वेश्चन देखते हैं। वो कह रहे हैं मुनीश बिजनेस, मुनीश मेंटेन हिज बुक्स ऑन सिंगुलैरिटी सिस्टम फ्रॉम द फ्रॉम देम एंड पर्टिकुलर सप्लायर, 31 मंथ फिगर दे रखी है, बुक डेट का डेटर होता है, बुक डेट का मतलब डेटर्स, कैश इन हैंड, स्टॉक इन ट्रेड, स्टॉक कोई दिक्कत नहीं, फर्नीचर फिटिंग, ये सब क्यों दे रहा है भाई, समझ गया होगी बात को, इसके लिए स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बनाना है इसके अंदर, तभी तो दे रहा है एसेट्स, लाइबिलिटी भी देगा, बैंक ओवरड्राफ्ट देखो दे रखा है, ट्रेड कैट दे दिए, क्यों दे दिया, क्योंकि कैपिटल एट द एंड निकालनी होती है यहाँ से, वो नहीं है तभी तो दे रहा ही है, क्यों दे रहा है, कैपिटल एट द एंड निकालनी है, वजह से करा और फिर उसको यहाँ पुट करना है और प्रॉफिट और लॉस निकालना है, सिंपल, देखने में बड़ा लगता है, होता कुछ नहीं है, आसान कुछ लगता है, बहुत कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो कुछ नहीं है, आपके खेल है आपके लिए, तो दिखते हैं सारे। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे आपके लिए खेल है सर, हमारे लिए थोड़ी है, बिल्कुल भैया ऐसा कुछ नहीं है, आप भी आपके लिए भी खेल हो सकता है, प्रैक्टिस के ऊपर सारी बात है, ठीक है। चलिए यहाँ लिखते हैं एसेट्स, सब बुक डेट सबसे पहले लिखते हैं 10,000, कैश इन हैंड लिखते हैं 510 रुपये, स्टॉक इन ट्रेड 6,000, फर्नीचर एंड फिटिंग 1,200 लिखते हैं, फर्नीचर एंड फिटिंग्स ये सब एसेट है ना, क्लियर। अब ट्रेड क्रेडिटर दे रखा है, ये लाइबिलिटी में लिखे हुआ, ट्रेड क्रेडिटर्स कितने हैं, 4,000, फिर दे रखा है बैंक ओवरड्राफ्ट, ये 1,000 रुपये है, बैंक ओवरड्राफ्ट, समझ गए, और कुछ नहीं है, और कुछ नहीं है। हाँ एक चीज़ ये क्या दे रखा है, मुनीश स्टेटेड दैट ही स्टार्टेड बिजनेस 1 अप्रैल को विद कैश 6,000 रुपये पेड इनटू बैंक बट स्टॉक वैल्यू 4,000 रुपये, क्या है इसका मतलब भाई साहब, क्या है इसका मतलब, वो कहना चाह रहा है ध्यान समझो बात को। अच्छा एक और चीज़ ध्यान समझो, फर्नीचर और फिटिंग में नीचे क्या कह रहा है, यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर स्टेटमेंट फॉर प्रॉफिट और लॉस आफ्टर राइटिंग ऑफ 10% डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर फिटिंग, तो फर्नीचर फिटिंग की मैंने 1200 नहीं लिखी इसका, वो कह रहा है कि 1200 पे 10% का डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद लिखो, माइनस कर दो क्या दिक्कत है, 10% होता है 120 रुपये, तो यानी कि 1,080 लिखनी है वैल्यू, सिंपल। लेकिन ये क्या कह रहा था स्टार्टिंग में कि भाई मुनीश ने कहा कि हमने उसने बिजनेस स्टार्ट किया 1 अप्रैल को कैश डाल के 6,000 रुपये, तो भैया ये कैश डाल के 6,000 रुपये ये कैपिटल होती है, ओपनिंग कैपिटल की बात कर रहा है, 6,000 रुपये तो बिजनेस में कैश आया, कैश में तो प्लस हो गया होगा ना, वो 6,000 रुपये प्लस हो गया होगा,
कैश तो लिखा हुआ 510 रुपये सर, तो कैश 6000 रुपये डाल के बैंक में, वो भी लिखा कैश 6000 रुपये बैंक में डाला, तो बैंक अकाउंट भी तो एक एसेट होता है, वो भी तो लिखना पड़ेगा यहाँ पर। ये ओपनिंग कैपिटल है, आपने ओपनिंग कैपिटल 6000 रुपये डाली बिजनेस में, बैंक अकाउंट में 6000 रुपये डाले, एंट्री क्या होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो बैंक अकाउंट तो लिखा ही नहीं, लेकिन एसेट होता है बैंक अकाउंट तो लिखा ही नहीं, हम लिखेंगे ना बैंक बैलेंस, या लिखो कैश एट बैंक 6000, कैश एट बैंक 6000 लिखो क्यों नहीं भाई, बैंक का बैलेंस में तो है। बट स्टॉक वैल्यू 4000 रुपये, स्टॉक की वैल्यू 4000 रुपये करी गई, और ये स्टॉक इन ट्रेड एस्टिमेटेड 6000 रुपये है, तो क्या करें ऐसे किसी में, स्टॉक की वैल्यू 4000 रुपये लिखो या 6000 रुपये लिखो। वो कह रहा है ना कि भाई उस समय स्टॉक की वैल्यू 4000 रुपये थी 1 अप्रैल को, लेकिन एस्टिमेटेड कितनी है 6000 रुपये, तो हम 6000 ही लिखें, हमें 31 मार्च वाली फिगर लिखनी है, यहाँ पर ध्यान रखना 31 मार्च को स्टॉक तो 6000 रुपये का, तो वही लिखूंगा, स्टार्टिंग में 4000 का था हमें इससे मतलब नहीं, हमें 31 मार्च को देखना था, समझा रही बात। और बैंक का बैलेंस स्टार्टिंग में जो 6000 रुपये डाला था वो एंड में भी 6000 रुपये ही रहा, क्योंकि और कुछ बैंक का कोई ट्रांजेक्शन नहीं करे यही मान के चलना पड़ेगा, तो बैंक का बैलेंस 6000 रुपये रहा। अब यहाँ पर निकालो टोटल एसेट का, तो कितना आ रहा है 16000 और ये हो गया 22000, 13080 और 510, 13590 यही आना चाहिए, 13590 यहाँ लिखे कैपिटल बैलेंसिंग फिगर, ठीक है। 5000 से माइनस कर दोगे तो ये कितना आ गया भैया 8590, उसको अब यहाँ लिखोगे कैपिटल एट द एंड 8590, ठीक है। फिर इसमें क्या करते हैं, ड्रॉइंग्स को प्लस कर देते हैं, क्या कर देते हैं प्लस, ड्रॉइंग कितनी दे रखी है 2400 रुपये निकाला है उसने कहा। एडजस्टेड कैपिटल, कोई एडिशनल कैपिटल है नहीं, कोई एडिशनल कैपिटल नहीं है, तो सीधा यही एडजस्टेड कैपिटल आ जाएगी फिर, एडजस्टेड कैपिटल, ठीक है। कितने आ गई सर 10990 सर, आगे क्या करते हैं बता रहा हूँ, क्या करते हैं देखो इसके बाद क्या करेंगे सर, लेस कैपिटल इन द बिगनिंग, कैपिटल इन द बिगनिंग सर कितनी है सर, यही तो है 6000 रुपये डाले जब मैंने, वही तो मेरा कैपिटल है, मैंने बैंक में 6000 रुपये डाले वही मेरी ओपनिंग कैपिटल बन गई थी, उसके बाद पता नहीं मैंने क्या क्या किया, मेरे बुक डेट आ गया, मेरा कैश आ गया, आ गया आधे, तो हमें तो 6000 रुपये डाले ना ओपनिंग में, तो 6000 रुपये थे, तो अब कैपिटल कितनी, प्रॉफिट कितना कमाया सवाल ये है सर, आ गया हमसे 4900 रुपये, दिस इज राइट आंसर, यानी कि मैंने कैपिटल स्टार्टिंग में 6000 रुपये डाली, उसके बाद मेरी ट्रांजेक्शन, मेरे पे कैश आया, मेरे पे कोई डेटर आ गए, स्टॉक आ गया, पता नहीं क्या क्या आ गया, लाइबिलिटी भी आ गई, लेकिन कुल मिला के मेरे पे फिर भी मेरे कैपिटल 6000 से बढ़ के 10900 रुपये होगी, तो प्रॉफिट ही कमाया मैंने, प्रॉफिट फॉर दैट, वेरी गुड सर, वेरी गुड सर, हमें अच्छे समझ में आ गया, तो पता लगा तो वीडियो लाइक करो ना फिर, सब्सक्राइब करो चैनल को अभी के अभी, और चाहते हो क्वेश्चन की वीडियो कमेंट करिए, आप मैं आपके लिए तैयार हूँ वीडियो बनाने के, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, मिल गया अगली वीडियो में।